मई से पहले धान की पौध की बिजाई करने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को कृषि विभाग की टीम ने खंड कृषि अधिकारी सलेंदर सिंह की अगुवाई में गांव पालेवाला में पहुंचकर कुछ किसानों द्वारा बिजाई की गई धान की पनीरी को ट्रैक्टर की मदद से नष्ट करवाया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि अगर समय से पहले धान की पौध की बिजाई की तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रादौर के गांव खेड़की ब्राह्मणान निवासी एक युवक ने महला वाली निवासी दो युवकों पर उसे विदेश भेजने के नाम पर करीब 7.5 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में प्रभावित युवक ने आरोप लगाया कि इन युवकों के पास उसके बैंक खाते की पासबुक व एटीएम भी मौजूद है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व इमिग्रेशन एक्ट में मामला दर्ज किया है। मौसमी खेती व सब्जियों की फसलों में जहां अधिक खर्च के चलते बचत ना के बराबर होती है, वहीं पॉपुलर नर्सरी से कम लागत में भी किसान लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये कहना है क्षेत्र के गांव करतार के किसान सुभाष का, जो करीब 5-6 साल से मौसमी खेती व सब्जियों की फसल के अलावा पॉपुलर नर्सरी से हर साल अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। किसान सुभाष के पास अपनी जमीन नहीं है, बल्कि ठेके व हिस्सेदारी पर जमीन लेकर वह 30-35 एकड़ की खेती करते हैं, जिसमें उन्होंने 7 एकड़ में पॉपुलर की पनीरी तैयार की हुई है, जिससे साल भर में लाखों रुपए की आमदनी होती है। रादौर के गांव बकाना निवासी हरपाल सिंह ने तालाब की खुदाई के दौरान ठेकेदार पर फलदार व छायादार पौधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ठेकेदार ने इन पौधों को उखाड़ने की कोई परमिशन भी नहीं ली, जिसकी शिकायत उसने सीएम विंडो व वन विभाग के अधिकारियों को भेजकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुकनलाल नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रादौर में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने भाषण व लघु नाटिका के माध्यम से श्री रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व का वर्णन किया।